gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो आपको मैंने बताया कि भापो कि पूर्ण वर्ग वाला है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस चार को देखो, जी हाँ ये चार दो का पूर्ण वर्ग है और एक भी एक का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि एक में एक से गुना करोगे तो एक प्राप्त होगा, दो में दो ही से प्राप्त गुना करोगे तो चार प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये किसका पूर्ण वर्ग था? दो का, तो दो ऐसे लिख दिया। यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह ला देना, इस बिचला को भूल जाना, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। और इस एक के बाद लिखने के बाद इस तरह से ब्रैकेट लगाना और उस पर स्क्वायर दे देना, ये जो छोड़े थे ना इसको यहाँ पे दे दो। बात समझ में आ गई? अब ये हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी दो बार इसको लिख देना है, दो बार लिख देना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। अब कह रहा है कि शून्यक ज्ञात, ये तो गुणनखंड निकाला, अब गुणनखंड से ही शून्यक निकालता है, तो अब कहता है कि शून्यक भी इसका निकाल दीजिए। तो शून्यक निकालने के लिए क्या कर दोगे? बराबर जीरो कर दोगे, तो 2s माइनस 1 बराबर जीरो, तो 2s पर बराबर हम तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। हमको s का मान निकालना है, इसीलिए s बराबर, तुम जानते इधर गुना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी 1/2। ये फिर वही चीज ये भी है 2x माइनस 1, 2s माइनस 1, इसका भी मान कितना आएगा? 1/2। यही प्रक्रिया फिर करोगे तो यही ना चीज लिखोगे जी, ये भी आ जाएगा 1/2। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो 1/2 1/2। तो देखेंगे वही है हमारा पूर्ण वर्ग वाला है कैसे है, क्योंकि ये 3 का पूर्ण वर्ग है और 81 जो है 9 का पूर्ण वर्ग है। तो आ गया, तो हम आपको कुछ नहीं बताए हैं, किसका है? 3 के, तो यहाँ 3 लिख दो, एक्स बताए एक्स लिख दो, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लिखना। प्लस ये किसका है? 9 का। बस अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको दो बार लिख दीजिए। अब गुणनखंड परीक्षा में बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है कि इसका गुणनखंड निकाल ले, आना आना है, तय है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो सीख लीजिए आज। तो दो बार लिख दिया इसको, 3x प्लस 9 इंटू 3x प्लस 9। अब कह रहा है शून्यक मान लीजिए आ जाता है कि छोड़ो, कहता है कि शून्यक निकालिए इसका, गुणनखंड निकालना से शून्यक निकालना आसान है, अब क्या कर देंगे? बराबर शून्य कर देंगे। तो इसका मतलब होता है इतना बराबर जीरो या इतना बराबर भी जीरो, तो 3x प्लस 9 बराबर जीरो, तो 3x पर बराबर दोगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, इसीलिए एक्स बराबर माइनस 9/3, 3 तिरका 9 माइनस 3 है, यह भी माइनस 3 ही आंसर आएगा दोस्तों।